नमस्कार, आपका स्वागत है कुलदीप क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं कुलदीप सिंह और मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, जिसके माध्यम से आप एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, व्यापम की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इतिहास, जैसा कि हमने पहले बात कर चुके हैं, इतिहास क्या है? इतिहास बीती घटनाओं का अध्ययन है। बीती घटनाओं का क्रमिक और व्यवस्थित अध्ययन को इतिहास कहते हैं। हम पहले इसकी बात कर चुके हैं, इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, भारतीय इतिहास कितने प्रकार के हैं, हमने इसकी भी बात की थी। इतिहास को किस तरह से बांटा गया है, हम इसकी भी चर्चा पहले की स्लाइड में, पहले की वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को प्रो हिस्ट्री कहा जाता है। प्रो हिस्ट्री यानी कि हड़प्पा सभ्यता प्रो हिस्ट्री का एक उदाहरण है। एसएससी का सवाल है, इसलिए मैंने यहां पे डिस्कशन किया आपके सामने। प्रो हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं आद्य इतिहास। आद्य इतिहास प्रो हिस्ट्री। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा काल आद्य इतिहास का एक उदाहरण है। हड़प्पा सभ्यता आद्य इतिहास का उदाहरण, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सबसे पहले हम समझेंगे सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन क्या है। इंग्लिश में सभ्यता को सिविलाइजेशन कहते हैं। सिविलाइजेशन क्या है? छात्रों के मन में एक प्रश्न और आता है कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही हैं? क्या दोनों अलग अलग हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, सभ्यता को देखते हैं और संस्कृति को देखते हैं। सभ्यता वो है जो हम बनाते हैं, जो हम क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी कि मानव जो बनाता है उसे सभ्यता कहते हैं, और जो हम हैं, जो हम हैं, हम संस्कृति हैं। यहां पर एक और चीज समझने वाली है, संस्कृति का क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, एक ब्रॉड एरिया में संस्कृति फैली होती है, और सभ्यता का जो क्षेत्र होता है वो ज्यादा व्यापक नहीं होता है। बात करें संस्कृति की, तो संस्कृति में हमारे विचार आते हैं, हमारे संस्कार आते हैं, ये सारे हमारे संस्कृति में आते हैं। हमारी संस्कृति में नृत्य आते हैं, हमारी जो गाने वाने वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं? गीत हैं, लोकगीत वगैरह, ये सब संस्कृति में आते हैं। हमारा रहना सहना, हम कैसे रहते हैं, हम क्या करते हैं, ये सारे सभ्यता में आते हैं। यानी कि सभ्यता हमारा बाहरी आवरण है, और जबकि संस्कृति हमारा अंदरूनी आवरण है। संस्कृति दो प्रकार की होती है, मूर्त और अमूर्त। तो मूर्त है जो बेसिकली हमें दिखाई देती है, अमूर्त है जो संस्कृति हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये है सभ्यता, यानी कि सभ्यता जिसको मानव ने बनाया, मानव के द्वारा जिसका निर्माण किया गया, हम उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम हड़प्पा सभ्यता की चर्चा करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता किसका एग्जाम्पल है, हमने चर्चा की, हड़प्पा सभ्यता आद्य इतिहास प्रो हिस्ट्री का एग्जाम्पल है। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, ये हड़प्पा नाम क्यों पड़ा, इसको थोड़ा समझते हैं। इतिहास में एक नियम जनरली फॉलो किया जाता है कि कोई भी सभ्यता की खोज जिस स्थान पर सबसे पहले की जाए, उस स्थान के नाम पे उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, और सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था उसका नाम था क्या, हड़प्पा। इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी, सभी लोग जानते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा को
और भी कई नामों से जाना जाता है। हड़प्पा को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी स्थल हैं, जितने भी साइट्स हैं, वो मोस्टली सिंधु नदी या सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे अवस्थित हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। यानी इसका जन्म, यानी कि ये जो सभ्यता है ये फली फूली कहाँ पर, ये सिंधु घाटी यानी सिंधु घाटी के अपवाद क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ, अपवाद क्षेत्र में ये फली फूली, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को एक नाम से और जाना जाता है, वो है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता, तो कांस्ययुगीन सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, उसका एक कारण यह है क्योंकि यहां पर जिस धातु का इस्तेमाल किया गया था सबसे ज्यादा, वो धातु का नाम है कांसा। सबसे ज्यादा जिस धातु का हमें इस्तेमाल देखने को मिलता है वो है कांसा। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे धातु के प्रमाण नहीं मिले, यानी कि एक सवाल जो एसएससी में पूछा जाता है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया है कि कौन सी धातु का इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे, तो लोहे धातु का इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा जिस धातु का इस्तेमाल किया गया उसका नाम क्या है, कांसा। हड़प्पा सभ्यता को एक नाम से और जाना जाता है और वो है नगरीय सभ्यता। नगरीय, नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित थी कि यहां पर लोग गांव में कम रहते थे, यहां पर लोग नगरों में ज्यादा रहते थे। जितने भी हमें स्थल मिले हैं ज़्यादातर स्थल हमें नगर के रूप में मिले हैं, इसलिए इसको प्रथम नगर क्रांति भी भारत की कही जा सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो हमने अभी जो चर्चा की हड़प्पा सभ्यता के और कौन कौन से नाम हैं, और कई किताबों में आपको ये नाम देखने को मिलते हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है बच्चों। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड पर। तो टाइम पीरियड हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, प्राचीन भारत में जो डेट्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादातर डेट्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहुत सारी किताबों में अलग टाइम पीरियड दिया रहता है। मैंने यहाँ पे जो लिया है ये एक मानक समय लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट यही समय होगा, इससे कुछ साल आगे पीछे भी हो सकता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा आद्य इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री यानी कि प्रो हिस्ट्री का एक उदाहरण है, इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हमने चर्चा कर ली, क्योंकि यहाँ पे कांसे के औजारों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया है, कांसा धातु का इस्तेमाल किया है। कांसा कैसे बनता था, तांबा और टिन को मिलाकर यहाँ पे कांसा बनता था। तो कांसा किससे बनता था, तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनता था, यहाँ पर हमने इसकी चर्चा कर ली। यह एक नगरीय सभ्यता थी, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली, तथा भारतीय संदर्भ में इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद और भी नगरीय सभ्यता भारत में जन्मी है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हमने की है। एक चीज़ और बच्चों जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें चर्चा करना है, हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। विश्व की और भी प्राचीन सभ्यता जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक में फली फूली और ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। इसके अलावा है मिस्र की सभ्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नील नदी के किनारे इसका जन्म हुआ था और वहीं पर ये फली फूली, और मिस्र की सभ्यता में ही आपको देखने को मिलते हैं पिरामिड। इसके अलावा चीन की सभ्यता है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता है, इसके बाद आपने कई और सभ्यताओं के नाम सुने जैसे माया सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है।
अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है उसकी चर्चा करेंगे हम लोग, ज्योग्राफिकल एरिया की चर्चा करेंगे हम लोग कि इसका भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक था। तो देखेंगे आपके सामने यहां पे स्लाइड पे मैंने यहां पर बताया हुआ है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता तीन देशों में फैली हुई थी। पहला देश है अफगानिस्तान, दूसरा देश है पाकिस्तान और तीसरा देश है भारत। तो हड़प्पा सभ्यता कितने देशों में फैली हुई थी? तीन देशों में फैली हुई थी। अगर इसके सबसे उत्तरी छोर की बात करें, सबसे उत्तर में जो स्थल है उसकी बात करें, उस स्थल का नाम है मांडा। स्थल का नाम क्या है? मांडा। और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल की बात करते हैं और इसका नाम है सुतकागेडोर, जिसको सुलकागेडोर भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और जो दाश्क नदी के तट पर स्थित है। तो नदी का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे दक्षिणी छोर की बात करेंगे, यानी कि इसका सबसे दक्षिण में स्थल कहां पर था। जो सबसे दक्षिण में जो साइट है उसका नाम है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। कहां पर स्थित है? ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी छोर की अगर हम बात करेंगे, पूर्वी स्थल की बात करेंगे, उसका नाम है आलमगीरपुर। बच्चों यहां पे ध्यान रखना है कि आलमगीरपुर लिखा हुआ है, कहीं कहीं जगह पे आलमगीर भी लिखा रहता है, पुर को हटा दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें एक ही है। आलमगीरपुर और आलमगीर एक ही जगह के नाम है। तो आलमगीरपुर है जो सबसे पूर्व में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आता है और ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो ये हमने बात की, सबसे उत्तरी छोर की बात की, सबसे दक्षिणी छोर की बात की, सबसे हमने पूर्वी छोर की बात की और सबसे पश्चिमी छोर की हमने बात करी। कहाँ कौन सी देश में स्थित है और कौन सी नदी के तट पर स्थित है, ये सवाल भी आ सकते हैं और पूछे भी गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके, यानी कि अगर हम बात करें भारत की, अगर हम बात करें तो भारत में जम्मू कश्मीर से लेके पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रांत है सुतकागेडोर मरकाम तट तक, दक्षिण में महाराष्ट्र तक ये फैली हुई हमें दिखाई देती है। उत्तर में बात करें तो उत्तर में देखा जाए तो ये पश्चिमी यूपी में इसके कुछ स्थल हमें देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है, अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें हड़प्पा सभ्यता के, ये पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है ये त्रिभुजाकार है। कैसा है ये बेटा? त्रिभुजाकार है। तो बच्चों ध्यान रखना है इसका जो एरिया है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। हम बात कर रहे हैं भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, भौगोलिक विस्तार की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है ये त्रिभुजाकार है और लगभग लगभग इसका जो एरिया है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 13 लाख, ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक है। एक तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक है और इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे निकल के आई, हड़प्पा सभ्यता विश्व की जितनी भी सभ्यता है उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी, यानी कि इसका जो एरिया है ये काफी ज्यादा फैला हुआ है। तो हमने अभी इसकी चर्चा कर ली, आगे बढ़ते हैं। सवाल जो पूछा जाता है बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में भी आता है और बहुत सारे टीचर इसका अलग अलग जवाब देते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताइए, भौगोलिक दृष्टि से एरिया के अकॉर्डिंग हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताइए, तो आपको नाम याद रखना है क्या? महारादा। ये याद करने के लिए फॉर्मूला है महारादा। सबसे बड़ा जो स्थल है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो सबसे बड़ा स्थल है उसका नाम क्या है? आप देखेंगे मोहनजोदड़ो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है उसका नाम है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, हम इसके आगे चर्चा करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा स्थल है वो है हासे, यानी कि हड़प्पा। तो सबसे पहला स्थल कौन सा हमने देखा? मोहनजोदड़ो। दूसरा स्थल हमने देखा हड़प्पा।
तीसरा स्थल है रा से राखीगढ़ी, कौन सा स्थल है राखीगढ़ी, और चौथा स्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलावीरा, तो चौथा स्थल है धौलावीरा। अब देखिए सवाल कैसे पूछे जाते हैं, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल का नाम बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है मोहनजोदड़ो, उसका नाम क्या है मोहनजोदड़ो, और ये पाकिस्तान में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा के सबसे बड़े स्थल का नाम बताइए जो भारत में स्थित है और उसका नाम है राखीगढ़ी। तो जो स्थल भारत में स्थित है सबसे बड़ा उसका नाम है क्या राखीगढ़ी। एक यहां पर और कंफ्यूजन वाली बात पैदा होती है, अभी हाल ही में कुछ किताबों में ऐसा दिया गया है कि राखीगढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थल है, जो कि गलत है। अभी हाल ही में जो खबर ये आई थी, अगर राखीगढ़ी में खोज की जाए तो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल हो सकता है, संभावना व्यक्त की गई है, अभी है नहीं। तो कुछ न्यूज़पेपर में ऐसा छप के आया था, कुछ किताबों में आया था, जो कि सही नहीं है। हाँ संभावना है, तो भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो हड़प्पा के सबसे बड़े क्षेत्रफल का नाम जो स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। अभी थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, कुछ यहाँ पर हड़प्पा के स्थल दिए हुए हैं जिनकी हम चर्चा अभी करेंगे। आप देख रहे होंगे सिंधु नदी है, आप ये सिंधु नदी देख रहे होंगे, और सिंधु नदी की ये सहायक नदियाँ हैं, ये सारी सहायक नदियाँ आप देख रहे होंगे, और भी कई सारी छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। और बेसिकली यहाँ से सवाल ये आते हैं कौन सा स्थल किस नदी के किनारे, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। हड़प्पा के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, ये बेसिकली यहाँ से और इस तरह से ये त्रिभुजाकार है जिसकी हमने चर्चा कर चुके हैं। हड़प्पा के कुछ स्थलों की चर्चा करते हैं, तो हड़प्पा की अगर हम बात करें, हड़प्पा के जो स्थल है तीन देशों में फैले हुए हैं, एक है अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भारत। आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान में हड़प्पा के दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनका नाम है मुंडीगक और शुर्तगोई। अफगानिस्तान में हड़प्पा के दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, आप ध्यान रखेंगे, पहला है मुंडीगक, दूसरा है शुर्तगोई। पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान में है मेहरगढ़, दूसरा है स्पेलिंग ये गलत है यहां पे, इसकी स्पेलिंग होगी सुतकागेडोर, इसको शुल्कागेडोर भी कहा जाता है। तो कई कई किताबों में अलग अलग नाम है, लेकिन ये दोनों चीजें एक ही हैं, सुतकागेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, जिसकी राजधानी क्वेटा, आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक और है मोहनजोदड़ो, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, चुनोदड़ो इसकी भी हम चर्चा करेंगे, हड़प्पा के भी हम चर्चा करेंगे। तो कुछ ये महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि पाकिस्तान में, इसके अलावा पाकिस्तान में हैं राणा गुंडई जो कि एक और महत्वपूर्ण स्थल है, उसके अलावा है कोट दीजी, ये भी पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण स्थल है, डेरा इस्माइल खान, ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा सभ्यता का पाकिस्तान में, और भी कई सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है हड़प्पा के स्थल जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है। भारत की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि भारत में स्थित है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये है, सबसे पहला आता है मांडा, बहुत महत्वपूर्ण है, हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी, ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है हमारा जम्मू कश्मीर, अब राज्य नहीं है ये, यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित राज्य है, तो अब ये राज्य नहीं है जम्मू कश्मीर, लेकिन हाँ जम्मू कश्मीर में स्थित है मांडा। पंजाब राज्य की बात करें तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, एक है संघोल और दूसरा है रोपड़, दो महत्वपूर्ण स्थल है संघोल और रोपड़, ध्यान रखेंगे बच्चों, पंजाब में दो महत्वपूर्ण स्थल हैं संघोल और रोपड़, आप इसको लिख लेंगे अपनी कॉपी पे, आप इसको याद कर लें। तीसरा महत्वपूर्ण स्थल अगर हम बात करें, तीसरा महत्वपूर्ण राज्य है हमारा हरियाणा, और हरियाणा में है बनावली
राखी गढ़ी और मिताथल बहुत महत्वपूर्ण है। हड़ियारा में हड़प्पा सभ्यता के तीन स्थल हैं, कौन कौन से हैं? बनावली, राखी गढ़ी और मिताथल। उत्तर प्रदेश में आएंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में दो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा से संबंधित, एक है आलमगीरपुर और दूसरा है हुल्लास। तो उत्तर प्रदेश में बेटा कितने हैं? दो हैं, ध्यान रखेंगे आप। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थल है, उसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा इसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे, जब महत्वपूर्ण केंद्र हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो इनकी चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण स्थल है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का विकास दक्षिण में गोदावरी नदी तक हुआ था, तो गोदावरी नदी तक यानी कि गोदावरी नदी घाटी तक इसका विकास हुआ था, जहां पर एक महत्वपूर्ण नदी है प्रवरा। प्रवरा नदी के तट पर है दैमाबाद। कई कई किताबों में दैमाबाद भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दोनों एक ही चीज है। गुजरात में अगर हम आएंगे, गुजरात राज्य में, तो यहां पे ऊपरी गुजरात की बात करें तो ऊपरी गुजरात में धोलावीरा, सुरकोतड़ा, देसलपुर, ये कच्छ क्षेत्र के आते हैं, यानी कि उत्तर गुजरात में ये स्थित है। लोथल महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा का। सवाल जो आया था, सवाल जो आ भी सकता है, सवाल जो आएगा, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र महत्वपूर्ण बंदरगाह का नाम बताइए, तो उस बंदरगाह का नाम है लोथल, और लोथल खंबात की खाड़ी के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? खंबात की खाड़ी के तट पर लोथल स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। रंगपुर, रोजदी, भगतराव, ये निचले गुजरात में आता है, और मोस्टली कठियावाड़ जो प्रायद्वीप है गुजरात का, वहां पर ये स्थल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है कुछ स्थल जो कि भारत के स्थल हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नगर योजनाओं की बात करें तो बेटा हम नगर योजनाओं की बात अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।